कटनी के जंगलों में जानवरों के शिकारी सक्रिय हैं। ये शिकारी जंगल में जानवरों को मारकर वहीं उनका मांस बेच देते हैं। कटनी के ग्रामीण इलाकों में एक सांभर के शिकार के बाद उसका मांस सप्लाई करने की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने मांस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कटनी जिले के छपरवाहा गांव के रहने वाले आरोपी राम सुजान को वन विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है, जो कि सांभर का मांस लेकर भाग रहा था। जिसकी जानकारी देते हुए डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया कि आरोपी ने जानवरों की तस्करी करने वाले ग्रोह से मांस खरीदा था और पूछताछ में कई लोगों के नाम भी बताए थे जिनकी तलाश जारी है। संजय साहब से सूचना मिली है हमें कि राम सुजान कौल 30 वर्षीय युवक है, छपरवाहा पंचायत का बड़वारा क्षेत्र में, जिसको पकड़ा गया है। उसको इनिशियल पूछताछ जो करी थी उसमें पता चला है कि वो सांभर का मांस था, पर अभी क्योंकि उसकी हम लैब रिपोर्ट में उसको भेजेंगे, लैब से रिपोर्ट तब आएगी तब कंफर्म कर पाएंगे, पर वो है वाइल्ड लाइफ का मांस, क्योंकि उसके द्वारा कुछ चीज़ें इस तरह की बताई गई हैं और उसने एक दो लोगों का नाम और बताया है जिनकी छानबीन अभी जारी है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।